ये क्या हो रहा है यार? भाई बाहर बादल बहुत काले हैं यार, लगता है वो न्यूज चैनल की बात सच हो रही है। कौन सी बात? कि 2017 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ओ फक, फेसबुक पे देखता हूँ, वहां क्या पता लगेगा बैंचो? जरा से भूकंप पे तो मेरी पूरी वॉल ओ माय गॉड अर्थक्वेक के स्टेटस से भर जाती है। ऐसे खुश होते हैं जैसे घर में बहू आई हो, ये तो फिर भी प्रलय है। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, तू देख एक डंडी दिखा रहा है। तो क्या उस पे बैठेगा? जल्दी देख, वो भी गया। फेम हेयर। ऐसे कैसे दुनिया खत्म हो सकती है बैंचो? मेरा डेटा पैक तो अगले महीने एक्सपायर हो रहा है ना। चीजों की एक्सपायरी डेट देख के नहीं होता ये सब, ये हमारे कारनामों की वजह से हो रहा है। हमने क्या किया यार? स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से स्कूल, और इन सब के बीच में स्कूटी के स्टैंड से रोड पे चिंगारियां निकालते हैं, हर जगह फटे हुए नोट चलाते हैं, और जो स्कूल से आते टाइम ट्रैफिक में दूसरे बस के बच्चों पे थूक और पानी फेंकते हैं। अरे थूक फेंकने से तो पिंपल आता है, एपोकलिप्स थोड़ी आता है। इतने सारे सपने पूरे कर लेते, सब धरे के धरे रह गए, और इतने सारे वर्जिन लड़के सब खड़े के खड़े रह गए। अगर बैंचो पता लग जाए कि एपोकलिप्स किस तरफ से आ रहा है तो हम उल्टे डायरेक्शन में भाग सकते हैं ना, क्या पता बीच में रुक जाए। पर ये भी तो नहीं पता सबसे पहले धरती फटेगी आसमान। सबसे पहले गांड फटेगी। अरे भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। वो मैं हूँ, एंग्जाइटी में पैर जाता हूँ। पीछे हटा बैंचो। यार अब जब दुनिया खत्म हो रही है, एक दूसरे से कुछ कन्फेस करें, क्या पता इसके बाद मुलाकात हो ना हो। नहीं, कन्फेशन ही तो है। याद है उस दिन होम साइंस की क्लास में हमें प्रिंसिपल के लिए 10 मिनट के अंदर अंदर कोई डिश प्रिपेयर करनी थी? हाँ, हमने न्यूटेला सैंडविच प्रिपेयर किया था, तू भाग के किसी और की क्लास से न्यूटेला लेके आया था। हाँ उस दिन मेरा पेट बहुत खराब था और लेट भी हो रहा था, तो वो न्यूटेला नहीं था, बुंडेला था। क्या हुआ? पहला बाइट इसी ने लिया था। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा तो था बैंचो कट्टी है मत खा। मुझे लगा जनरली कह रहा है चूतिया। प्रिंसिपल ने तो तारीफ भी की थी कि कितना क्रंची है। एक रात पहले नट क्रैकर का पूरा पैकेट जो खाया था। अब तेरी बारी। मैंने एक बार गलती से कॉन्डम खा लिया था। क्या? ये फई है, लगाना पाओ तो खा जाओ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की एड आई थी टीवी पे, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैं मेडिकल स्टोर पे चला गया, खरीदा, सिर्फ चाटने के लिए खरीदा था, पर गलती से निकल गया। हगने बैठा होगा तो ऐसा लग रहा होगा गांड से गुब्बारा फुला रहा है। हम एक तो मरने वाले और तुझे मजाक सूझ रहे बेंच। मौत से क्या घबराना, कभी ना कभी तो आनी है, जिंदगी और झांट दोनों उलझी हुई है, या तो फुलझानी है या मरानी है। मैं ये तबाही देख नहीं पाऊंगा, काश ये एपोकलिप्स मेरे सोने के बाद आ जाए। तू सोता कब है? जब मर्जी सो जाता हूँ, जब मर्जी उठ जाता हूँ। बिल्कुल मेरे नुन्नू की तरह। मुझे मरने से पहले मैसाचुसेट्स जाना था। मासी क्या चूसती थी? मासी नहीं, मैसाचुसेट्स। मैसाचू वो तो तू है, सेट्स करवा लो। चलो ए चुप कर, यूएस में जगह है। मुझे तो प्राग जाना था। प्राग तो गुटका है। वो पराग है, इसको जहाँ जाना है वो चेक रिपब्लिक में है। तू कन्फेस करना है। मेरे हाथ खून से रंगे हैं। कौन सी वाली के? ओ आई मर्डर्ड समवन। कब? बारिश का मौसम था, तूफान करीब आ रहा था, मैं रफ्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तभी बादल गरजे खड़खड़ 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 खड़खड़, हवा हली फिर कुत्ते भौंके, पीछे से एक बाइक रुकी, एक आदमी ने मेरे गले पर हाकू रखा और बोला गिव मी वॉट एवर यू हैव। मैंने अपना फोन, वॉलेट और फिडजेट स्पिनर निकाल के उसको दे दिया। फिर मेरे सामने गाड़ी रुकी, उसका दरवाजा खुला खाच। मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने ग्रैंडफादर को आखिरी बार याद किया। इतने में आवाज आई, इट्स अ प्रैंक, कैमरा में देखकर हाथ हिला दो। oh, no! मैंने उसका हाथ मोड़ा और उसी की गांड में डाल के उसके मुंह पे बाहर निकाल कर कैमरा में देखकर हाथ हिलाया और बोला सब्सक्राइब नाउ। बैचो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है यार। लगता है टाइम आ गया है। इन द नेम ऑफ क्राइस्ट आई कमेंड यू, इन द नेम ऑफ क्राइस्ट आई कंपेल यू। ये क्या एक्सोसिज्म का चैंट पड़ रहा है? महेश भट्ट की फिल्मों में देखा बैच। पर ये तो अपोकलिप्स है, इसका कोई चैंट नहीं आता क्या तेरे को? लग गए, लग गए, लग गए, लग गए, लग गए, लग गए। चुप कर यार, तेरे पीछे देख टॉर्च होगी। मिल गई, मिल गई। ये ऑन कैसे होगी? नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि ये मेरी टॉर है होती है। छी बैंचो छी। भाइयों, मुझे लगता नहीं अब हम कभी एक दूसरे का चेहरा देख पाएंगे, पर समीर मुझे पता है तू लड़कियों को मनाना जानता है, ऊपर जब तेरी तनिषा से मुलाकात होगी तो उसको समझा दियो कि मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा, कल रात की तरह झगड़ा नहीं करूंगा, अगले 7 जन्मों तक उसके बालों से खेलूंगा, कभी कभी उसकी हरकतों की वजह से रख के थप्पड़ मारूंगा पर प्यार से, पर फिर उसकी नंगी पीठ पर उंगलियों से अपना नाम भी लिखूंगा। बेंचो, इसकी कुर्सी हिल रही है, हिला रही है। सॉरी, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट वरी, आई लव यू भाइयों। भाई, हम स्वर्ग में आ गए इतनी जल्दी, और हेवन में भी अपने रूम जैसी सेटिंग है यार। पापा। हाय अंकल, आपको धरती निगल गई या आसमान खा गया? वैसे निगल तो तेरी माँ गई है मुझे, तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? कयामत आई थी पापा। कयामत तो तब आएगी जब तेरा रिजल्ट आएगा। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए सारे नेटवर्क टावर जाम हो गए, और शायद इसलिए लाइट भी चली गई थी। मेरे में तो नेटवर्क भी आ रहा है। टावर फिक्स कर दिया बिचारों ने बड़ी मेहनत से। इसका मतलब वो बच गए? बच गए? अरे भाई, हम बच गए, बच गए, एपोकलिप्स नहीं आए, हम बच गए, हम बच गए पापा। तुम सूखे नशे तो नहीं करते? और ये क्यों इतना खुश हो रहा है? छूट मिलने की खुशी। छूट? छूट, खुली छूट। इवन बेटर, डिस्काउंट। वो मॉल में डिस्काउंट लगा ना, पेपर में ऐड आई है तो उसके लिए। अच्छा पापा, जाओ मैं आता हूँ। अच्छा, अच्छा। भाई समीर, इसको मना ले यार। हेलो बुवे, कल जो हुआ सो हुआ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, लेट्स गो आउट टुमारो। क्या करना है बताओ? तेरी नंगी पीठ पर हाथ दौड़ा के तुझे थप्पड़ मारना है। हेलो 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 हेलो, व्हाट डिड आई डू?